बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे दूसरा लेक्चर है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थ्रू क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स एंड टैलीबार वगैरह से। तो आपके पास ये डाटा गिवन है, ये डाटा, इसमें सबसे पहले आपने पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपने सबसे पहले जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है आपने वो निकालनी होती है। तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से स्कैन जब करना शुरू करते हैं तो आपके पास मिनिमम वैल्यू निकलती है मेरे ख्याल से 1 1, ठीक है। तो आपने फाइंड कर ली, तो मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे एक्स नॉट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 11, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप आपने इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब मैंने लेफ़्ट टू राइट स्कैन किया तो मेरे पास 54 आ गई। तो मैक्स वैल्यू हमारे पास होगी, इसको हम एक्स एम कहते हैं, और ये होगी हमारे पास 54। अब तीसरा स्टेप ये होता है आपने रेंज निकालनी होती है। रेंज निकालने का मकसद ये होता है कि उसके थ्रू आप क्लास इंटरवल निकालते हो, क्लासेस निकालते हो। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि रेंज से थ्रू आप क्लासेस निकालते हो। तो आपने रेंज निकालना है, और रेंज निकालने का हमारे पास बहुत आसान सा फार्मूला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। जब आपने मैक्स वैल्यू भी निकाल ली होगी, मिन वैल्यू भी निकाल ली होगी, तो आप आसानी से रेंज भी निकाल सकते हो। तो रेंज निकल आएगी 54 माइनस 11, तो ये हमारे पास निकल आती है 43। रेंज भी आप लोगों ने निकाल ली। अब थर्ड स्टेप आपका क्या है, अब आपने इंटरवल बताने हैं। इंटरवल आपके ऊपर डिपेंड होते हैं कि आपने ज़्यादा रखने हैं कम रखने हैं। अब देखें, ये वैल्यूज 11 से 54 के बीच में है, तो मेरे हाथ से इंटरवल जो है वो 5 का या 6 का ही होना चाहिए। तो मुझे आपको ये मशवरा दूंगा कि इंटरवल आप जितना अच्छा रखेंगे, जितना सिग्निफिकेंट रखेंगे, उतनी आसानी होगी। तो मेरे ख्याल से इंटरवल मैं यहाँ पे 5 का रख रहा हूँ, ठीक है। आप 6 का भी रख सकते हो, 7 का भी रख सकते हो, 4 का भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपकी क्लास जो लिमिट बने वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इंटरवल मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया, आप भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो 10 और 50 के बीच में है, तो मैंने 50 कर लिया। अगर 10 और 100 के बीच होती तो मैं 10 कर लेता इंटरवल, और अगर 10 से 200 होती तो मैं इंटरवल 20 कर लेता। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। इंटरवल फाइंड कर लिया। अब आपने क्लासेस निकालनी है, तो क्लासेस निकालने का फार्मूला होता है के इज़ इक्वल्स टू आर बाय आई, ठीक है। आर से मुराद रेंज है, आई से मुराद इंटरवल है। तो इंटरवल रेंज हमारी निकली हुई थी 43, इंटरवल आपका आ गया 5 का। तो ये तकरीबन वैल्यू बनेगी हमारे पास, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 5, तो ये तकरीबन 8.6 बनता है। तो आप राउंड अबाउट ले लो तो 9, ऑलमोस्ट 9 बनेगी हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमने क्लासेस भी निकाल ली। अब अगला स्टेप ये है कि अब आपने क्लास लिमिट्स बनानी है। क्लास लिमिट बनाने के लिए आपने ये हेडिंग दे दी, एक कॉलम बना लिया क्लास लिमिट का। अब क्लास लिमिट आपने बना लिया, तो इसको लाइन लगा लेता हूँ। क्लास लिमिट, अब सबसे पहले क्लास लिमिट बनाने के लिए पहला आपने ये करना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आपकी 11 है। अब 11 के करीब करीब देखें, 11 या तो खुद मोस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए या इसके करीब करीब देखें। 11 मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वो नंबर होता है जो कि 5 के टेबल पर डिवाइड हो सके। अब 11 तो नहीं हो रहा, तो अगर मैं 10 से स्टार्ट कर दूँ तो 10 जो है वो 5 से टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि आप 10 से स्टार्ट करो। आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये है कि आप 10 से स्टार्ट करो। तो मैंने 10 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर 11 होगा तो 10 से स्टार्ट कर दें, अगर 14 है तो 15 से 14 है तो फिर आपको 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उससे पहले स्टार्ट करना है। ये ना हो कि मिनिमम वैल्यू आपकी लेट्स सपोज 11 है और आप 12 से स्टार्ट कर रहे हो, ये नहीं करना। आपने या तो 11 से ही स्टार्ट करना है या 11 से कोई पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर आप उठा लें।
ठीक हो गया। 10 से आपने कहाँ तक जाना है, 10 से 10 इंटरवल कितने का था, 5 का था, तो 10 प्लस 5 15, एकम 14, ठीक है। नीचे लिखेंगे आप टोटल और फिर आप जो है इसी तरह फर्दर आगे चलोगे। तो इसके बाद 10 प्लस 5 15 हो गया, 15 प्लस 5 20 और एक कम करके यहाँ पे आपने लिख दिया 19। फिर 20 प्लस 5, क्योंकि इंटरवल 5 का है माइंड में रखिएगा, 20 प्लस 5 25, एक कम 24। फिर 25 प्लस 5 30, एक कम 29। फिर इसी तरह 34, ये 35 हो जाएगा तो ये नीचे 39 आ जाएगा, और नीचे सॉरी 40 आ जाएगा तो ये 39 हो जाएगा। इसी तरह 45 और 50, इस तरह आपने फर्दर जो है वो बना लेने हैं। सॉरी 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 25 29, ठीक है सही हो रहा है, 44 49 और 54, ये सारे आपने क्लास लिमिट निकाल ली। अब आपने क्या करना है कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टैली बार, पहले टैली बार निकाले, अगर आपने टैली बार निकाल लिया तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। टैली बार, और मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा देता हूँ, ये हो गया। अब टैली बार निकालना है तो आपके पास डाटा ये सारा ऊपर गिवन है, ये डाटा है, मैं कोशिश करता हूँ एक और पेज पे ले आता हूँ। चलें, अब सबसे पहले क्या आ रहा है, 46, 46 कहाँ पे है, 45 और 49 के बीच में, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दी। फिर क्या आ रहा है, 50 और 54 के बीच में है, तो यहाँ पे लाइन लगा दी। फिर क्या आ रहा है, 50 तो इसके बीच में ही है, फिर 28 है तो इसके बीच में है, वन बाई वन आप स्कैन करेंगे। फिर 50 आ रहा है तो 50 यहाँ पे है, फिर 43 है तो 43 हमारा 40 और 44 के बीच में होगा, ठीक है। इसी तरह आपने वन बाई वन सारे आपने कर लेने हैं। तो ये तकरीबन, मैं इसको जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको, तो ये तकरीबन हमारे पास स्कैन करते जाएंगे आप, तो ये हमारे पास बनेंगे तकरीबन 23 होंगे। अब देखें यहाँ पे जब पांच हो जाते हैं ना, चार हो जाते हैं, जो पांचवा आएगा ना वो यूँ आएगा इस तरह, ठीक है। आप इस तरह पेयर बनाओगे तो ये भी तकरीबन पांच का था तो ये पांच हो गया और ये तीन का, ठीक है। ये मैंने किस तरह किया, मैंने इस तरह किया, ये स्कैन किए सारे स्कैन किए, 46 आ रहा था तो 45 और 49 के बीच में था तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी। फिर 50 किस में आ रहा था, 50 और 54 के बीच में आ रहा था तो मैंने यहाँ लाइन लगा दी। और जब ये चार हो जाते हैं तो पाँचवा इसके ऊपर आता है, ठीक हो गया। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर ये आपको समझना है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी किस तरह, ये एक ही था तो वन, यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो या दो, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे वन, ये पांच का होता है, वन टू थ्री फोर और ये फाइव। इसी तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये आपके पास टोटल 23 बनने चाहिए, क्योंकि आपके ये 23 हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री। तो ये भी आपके जो हैं फ्रीक्वेंसी, ये आपकी 23 बननी चाहिए। तो वन प्लस ज़ीरो को मैं छोड़ रहा हूँ, प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस फाइव प्लस प्लस वन प्लस एट, फोर्टी फाइव और 49 के बीच। आप एक मिनट चेक कर लें, एक 46 है और एक ये 45 भी है, तो ये दो थे, ये टू आता है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस फाइव प्लस टू प्लस एट 23।
तो आपके पास टोटल 23 निकले, सही हो गया, आपने फ्रिक्वेंसी भी निकाल लिया। अगला स्टेप आपका है, आपने क्लास बाउंड्री निकाल लिया। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। क्लास बाउंड्री निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब लोअर लिमिट से मुराद ये वाली लिमिट है और अपर से मुराद ये वाली है। ठीक है, तो आपने दूसरे की जो लोअर होगी और पहले की जो अपर होगी उसको आपस में माइनस करोगे, तो दूसरे की क्या है 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 0.5 बनेगा शायद, 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.5 बनता है। अब किसी से भी कोई भी क्लास लिमिट से चेक कर सकते हो, फर्स्ट करो 35 और 34 का कर लो, तो 35 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 0.5। अब स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं, वो कैसे गलती करते हैं, ये जो कैलकुलेटर है स्टूडेंट ये करते हैं कि 30 वैल्यू थी ये 30 माइनस 29, ठीक है, और साथ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब ये चीज़ जो है ये चीज़ ये गलत हो जाती है, ये देखें ये यूँ बन जाता है 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको आंसर कुछ और देगी 15.5 दे। तो ये गलत करते हैं, ये गलती करते हैं, तो आपने किस तरह करना है, आपने करना है 30 माइनस 29 वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय, आंसर निकाल के फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 1/2 मतलब 0.5 वैल्यू आएगी, सही है। तो ये दोस्तों ये आप एहतियात कीजिएगा, इस तरह की गलतियां पेपर्स में अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं। तो आपके पास क्लास बाउंड्री निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट से मुराद ये पहली वाली होती है और अपर से मुराद बाद वाली होती है, तो दूसरे की लोअर लिमिट को लेके आप माइनस करेंगे पहले वाले की अपर के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या निकली है 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि इसमें से जो क्लास लिमिट है इसमें आप 0.5 माइनस कर दोगे और इस अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे, तो 10 में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास 9.5 बचता है, और जब करेंगे इसमें 14 में ऐड करेंगे तो 14.5 आता है। ठीक है, अब यही 14.5 आप उठा के नीचे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 15 में से 0.5 निकालो तो 14.5 भी बचता है, इसी तरह 19 में 0.5 ऐड करना है। दोस्तों इसमें आपने माइनस करना है, इस वाले में आपने ऐड करना है, ठीक है, मैंने 10 में से 0.5 निकाल दिया तो 9.5 बचा और 14 में मैंने ऐड किया तो 14.5 बचा, इसी तरह ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 24.5 हो जाएगा, 0.5 ऐड किया, इसी तरह 24.5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 29.5, फिर 29.5 34.5, फिर 34.5 39.5 फिर 39.5 44.5 फिर 44.5 49.5 फिर 49.5 54.5, ठीक हो गया। ये क्लास लिमिट भी निकाल ली, टैली बार भी निकाल ली, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, क्लास बाउंड्री भी निकाल ली। अब अगला स्टेप ये है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है, आपने मिड पॉइंट निकाल लेना। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने का मैं फार्मूला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अभी अपर लिमिट पहले वाली की है और लोअर लिमिट भी पहले वाले की है, इसमें क्या होता था लोअर लिमिट दूसरे वाले की होती थी और अपर लिमिट पहले वाले की होती थी, तो यहाँ पे अब क्या होगा,
अब देखें अपर लिमिट क्या है, 14, 14 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 14 ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन ये याद रखिएगा, 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको भी ऐड करके 9.5 प्लस 14.5 बटे बाय 2 भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। तो जब मैंने ये वैल्यूज़ की तो ये आप देखिएगा ये है ना, तो 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 12 आ जाता है, ठीक है। और अगर इसके थ्रू करते हो तो 9.5 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास वही वैल्यू आती है। बस आपने कोशिश करनी है कि फार्मूला ये है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और क्लास बाउंड्री क्या आती है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट दूसरे वाले इंटरवल की और अपर लिमिट पहले वाले इंटरवल की, जबकि इसमें इंटरवल दोनों सेम होते हैं। अब इसमें आपने वैल्यूज़ निकाल ली तो इसकी 12 आएगी, इसकी 17 आएगी, ये सारे मैं थ्रू कैलकुलेटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह इसको जब करेंगे ऐड करके तो ये 22 आ जाएगी, 27 आ जाएगी, 32 आ जाएगी, फिर 37, 42, 47, 52, ये आपने क्लास बाउंड मिड पॉइंट पर निकाल लिया। अब अगला स्टेप है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 1, तो 1 एज इट इज़ यहाँ पे कर देनी, ठीक है। फिर ये 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 8 23। अब आप चेक करें आपके टोटल नंबर क्या थे, नंबर कितने थे आपके पास डाटा के, 23 थे, और आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आखिर में 23 ही निकली है। इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हुई। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से होती है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज निकालने का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, उसके बाद आपने इंटरवल अपनी मर्जी से निकालने हैं, फिर आपने एक नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है जिसका फार्मूला है आर डिवाइडेड बाई आई, आर हमने निकाला होगा, रेंज और इंटरवल हमारा 5 होगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमें बताएगा कि नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती हैं। फिर हमने क्लास लिमिट बनानी है मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखते हुए, अभी हमारे पास 11 था तो हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट 10 से स्टार्ट कर दिया, तो 5-5 का इंटरवल नीचे की तरफ ऐड करते जाएंगे, 10 प्लस 5 15 होता है, तो उसका 15 से जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह करते करते हमने टोटल कितने निकाले थे, 9, तो ये 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं, इस वाले को हम अपर लिमिट कहते हैं। हमने टैली बार निकाला, हमने 1 बाय 1 इन सारों को स्कैन किया, 46 सबसे पहले आ रहा था तो 46 कहाँ पे लाइक कर रहा है, 45 और 49 के बीच में, तो हमने एक लाइन लगा दी। इसी तरह हमारे पास 50 था, 50 हमारा 50 और 54 के बीच में लाइक कर रहा था, तो हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। ये सारा निकालने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, एक था तो एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कोई डंडा नहीं था तो 0 लगा दिया, यहाँ पे 2 थे तो 2 3, इसी तरह हमने निकालते हुए 23 निकाल दिया। फिर हमने क्लास बाउंड्री निकाली, क्लास बाउंड्री निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया है, लोअर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट को पहले की अपर लिमिट के साथ डिवाइड माइनस करके डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो मैंने यही किया, इस 15 को मैंने माइनस किया 14 के साथ, 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, और फिर वैल्यू आ गई 0.5। जब 0.5 वैल्यू आएगी, जब 0.2 वैल्यू आएगी तो आपने पहली वाली से माइनस कर देना है और 0.5 माइनस कर देना है, और दूसरी वाली में 0.5 ऐड कर लेना है, मतलब अपर लिमिट में आपने ऐड करना है, लोअर लिमिट से माइनस करना है। इस तरह जब आप करते जाएंगे तो आपके पास ये जो ये वाली चीज़ होगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन,
ये लाइन, ये बिल्कुल सेम सेम आ रही है, आपको पता होगा 44 44 49 49। तो आपने ये वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद आपने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, पहले की अपर लिमिट को दूसरे की लोअर, पहले की अपर लिमिट को पहले की लोअर लिमिट से आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाई टू करना है। तो 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लेंगे, 1 बाय 1 आपने सारी करनी है। तो 19 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 17, 29 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 22, 29 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 20। अब देखें ये जो वैल्यूज आ रही है 27, अब आप ये देखो ये 25 और 29 के बीच में ही लाई कर रही है। इसी तरह ये जो 22 आ रही है ये 20 और 24 के बीच में ही लाई आ रही है, और ये 17 जो आ रही है ये 15 और 19 के बीच में ही लाइक आ रही है। इसी तरह ये 10 और 14 के बीच में जो 12 वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के बीच में ही लाइक आ रही है। इस तरह करते करते आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका इस तरह से है कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7। इसी तरह फर्दर करते करते हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23, जो कि ये जो टोटल नंबर ऑफ जो है डाटा है वो भी 23 होगा, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी 23 होगी। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि आपने बिल्कुल सही किया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई चीज़ पूछनी हो आपने तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।